हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग इम्प्लीमेंटिंग क्लास के बारे में देखेंगे। मोर देन वन इंटरफेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल क्लास, यानी कि आप एक से अधिक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक क्लास में। वैसे तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, बट फिर भी अगर पढ़ लेते हैं इम्प्लीमेंटिंग क्लास के टॉपिक पर। अ क्लास इम्प्लीमेंट्स एंड इंटरफेस यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, यानी कि इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड आपको यूज़ करना है जब भी आप एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। If a class is implementing an interface, it has to define all the methods given in that interface. अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस से इम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी कि किसी इंटरफेस से आपने कोई क्लास इम्प्लीमेंट किया है, तो उस क्लास की ये जिम्मेदारी बनती है कि इंटरफेस में जो भी मेथड्स हैं उसको वो डिफाइन करें। ठीक है, इफ़ अ क्लास डज नॉट इम्प्लीमेंट ऑल द मैथड्स डिक्लेयर्ड इन द इंटरफेस, द क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि इससे पिछले वाले पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि क्लास की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे मेथड्स को डिफाइन करे, जो भी मेथड्स डिक्लेयर किए गए इंटरफेस में उनको डिफाइन करने की जिम्मेदारी क्लास की होती है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर वह इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, यानी क्लास को डिफाइन सॉरी मेथड्स को डिफाइन नहीं करता है, तो वह क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा, यानी कि उस क्लास का भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। द मेथड सिग्नेचर फॉर द मेथड इन इन द क्लास मस्ट मैच द मेथड सिग्नेचर एज इट अपीयर इन द इंटरफेस। इंटरफेस का जो मेथड होगा और उसको उससे जो अपने क्लास इम्प्लीमेंट किया है उसमें जो मेथड होगा, उन दोनों मेथड का सिग्नेचर सेम होना चाहिए। एनी क्लास कैन यूज एन इंटरफेस कॉन्स्टेंट फ्रॉम द नेम ऑफ द इंटरफेस लाइक टेस्ट डॉट रोल। किसी भी क्लास में, यानी कि एक इंटरफेस से आपने एक क्लास इम्प्लीमेंट किया, तो वह क्लास अपने इंटरफेस के कांस्टेंट वेरिएबल्स को, कांस्टेंट जो वेरिएबल्स होता है, जो भी वेरिएबल्स उसमें बनाते हैं सभी कांस्टेंट होते हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं इंटरफेस के नाम के द्वारा। ठीक है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में थोड़ी देर में बताऊंगा, प्रैक्टिकल मतलब थ्योरेटिकली, बट मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस कैन ट्रीट द कांस्टेंट्स एज दे वेर इनहेरिटेड। ये बस वही सेम लाइन है। यहाँ हम लोग देखते हैं वन इंटरफेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल क्लास। एक इंटरफेस एक क्लास को इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि एक क्लास एक इंटरफेस बनाया, उससे आप एक क्लास इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वह कैसे होता है। जैसे कि इसका कहने का मेरा कहने का मतलब ये है कि एक फादर नाम का इंटरफेस है, ठीक है, इससे आप एक क्लास इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सन नाम का, जो कि एक क्लास होगा। पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि दोनों इंटरफेस थे, यहाँ भी ये भी इंटरफेस था और ये भी इंटरफेस था, लेकिन अब यहाँ वैसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ सिचुएशन है कि ये जो क्लास है फादर, ये एक क्लास नहीं है बल्कि ये एक इंटरफेस है, और यहाँ इससे जो डेराइव किया जा रहा है उस वह एक क्लास है। ठीक है, तो आप फादर इंटरफेस से एक क्लास इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सन, इसको इस तरीके से टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है। इसको कोड में कैसे लिखते हैं, देखिए, इंटरफेस कीवर्ड आप लिखेंगे, इंटरफेस का नाम लिखेंगे, वेरिएबल्स लिखेंगे और मेथड्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ जो भी वेरिएबल होते हैं सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं, यानी कि उसमें बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड्स इंक्लूड होते हैं, चाहे आप उसमें लिखें या ना लिखें। मेथड्स सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आप यहाँ मेथड्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको डिफाइन करने की जिम्मेदारी उस क्लास की बनती है जिस क्लास इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे कि इम्प्लीमेंट किया गया है इसको इस क्लास में, ठीक है, सब क्लास यहाँ क्लास लिखेंगे आप, सब क्लास का नाम लिखेंगे, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड आप लिखेंगे और यहाँ आप अपने इंटरफेस का नाम लिखेंगे, और यहाँ आप आपका वेरिएबल होगा और यहाँ आपका मेथड होगा। ये चूंकि ये क्लास है तो यह मेथड कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ आपका जो मेथड हो वो एब्स्ट्रैक्ट हो या फिर आपका वेरिएबल जो हो कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ, जैसे कि ये और थोड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इंटरफेस कीवर्ड के साथ आपने एक इंटरफेस बनाया, इसमें दो वेरिएबल्स सॉरी एक वेरिएबल है मेरा इंट मार्क नाम का। याद रखिएगा यहाँ मैंने पब्लिक स्टैटिक फाइनल लिखा हुआ नहीं है, बट ये मौजूद है, यानी कि ये जो वेरिएबल है ये स्टैटिक वेरिएबल है, ये इसमें फाइनल कीवर्ड लिखा गया, यानी कि ये कॉन्स्टेंट है और यह पब्लिक है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के साथ ये वेरिएबल आपका है। ठीक है, सो इंट मार्क इक्वल 101 आपने इसको इनिशलाइज कर दिया, चूंकि ये फाइनल है यानी कि कांस्टेंट है, सो इसका वैल्यू अब चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ एक मेथड ने लिखा हुआ वाइड डिस्प, ये जो मेथड होता है ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। ठीक है, यहाँ आपने पब्लिक कीवर्ड नहीं लिखा है, बट फिर भी ये मेथड यहाँ पब्लिक होता है, ये मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया होगा, बट यहाँ भी जान लीजिए कि जो भी इंटरफेस में जो भी मेथड्स आप लिखते हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट यहाँ पब्लिक होते हैं। ठीक है,
आपने ये मेथड लिखा, इस मेथड को आप यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इंटरफेस है, इसीलिए आप इस मेथड को यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते। इस मेथड को डिफाइन करने की जिम्मेदारी इस क्लास की है जहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लिखते हैं सन, सॉरी क्लास सन। सन इस क्लास का नाम है जो इस फादर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड है आपका, इसको आपको लिखना है। देन फादर आपके इंटरफेस का नाम है, ठीक है। इंट सम यहाँ एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है, ये वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता है आपका, ठीक है। सो इंट सम मैंने लिखा, इक्वल मैंने 10 लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस आप इंटरफेस के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं अपने क्लास में जहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उस क्लास में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इंटरफेस के नाम के साथ। जैसे कि ये मार्क आपका एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं इस क्लास में, तो इसको एक्सेस करने के लिए आप अपने इंटरफेस का नाम लिखेंगे, जो कि जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ फादर डॉट मार्क। तो आप इस वेरिएबल को यहाँ एक्सेस कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो वेरिएबल है ये कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन इसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर आप सिंपली ऐसा लिखें कि फादर डॉट मार्क इक्वल 102, यानी कि अब इसका जो पहले से वैल्यू दिया गया 10 में, उसको आप 102 करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता लेकिन इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं मेथड की बात करते हैं। यहाँ जो मेथड लिखा गया वाइड डिस्प, ठीक है, वाइड डिस्प लिखा गया। ये मेथड यहाँ डिफाइन नहीं किया गया, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। यहाँ आप इसको इंटरफेस में जो भी मेथड्स होते हैं सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसको डिफाइन करने की जिम्मेदारी बनती है उस क्लास की जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो यहाँ हम लोग इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग इस मेथड को डिफाइन करेंगे वाइड डिस्प, और हमने यहाँ इसको डिफाइन कर दिया कि ये क्या करेगा, सम को प्रिंट करेगा, ठीक है। इन केस अगर आपने इसको डिफाइन नहीं किया, यहाँ जो वाइड डिस्प मेथड, जो भी मेथड लिखे गए, चाहे एक मेथड हो चाहे एक से ज़्यादा मेथड हो, सभी को आपको जहाँ ये इंप्लीमेंट हो रहा है वहाँ उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, सभी मेथड्स को, सिर्फ एक मेथड को नहीं बल्कि सभी मेथड को। तो अगर आपने सभी मेथड को यहाँ डिफाइन नहीं किया, आपने एक को किया दूसरे को नहीं किया, तो वैसे किस में आपका ये जो क्लास होगा, इस क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ आपको कीवर्ड लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। आप इसको डिफाइन करना मस्ट है, यानी कि इस मेथड को यहाँ डिफाइन करना मस्ट है। अगर हमने डिफाइन नहीं किया तो ये क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको बनाना पड़ेगा। अगर एक मेथड है, एक मेथड को आप डिफाइन कीजिए, ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होगा, लेकिन आपने एक मेथड है, आपने उस मेथड को यहाँ डिफाइन नहीं किया, तो ये क्लास आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगा। यहाँ अगर दो मेथड से इस इंटरफेस में, अगर दो मेथड से दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, दोनों ही मेथड को आपको इस क्लास में जहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया गया उस क्लास में दोनों ही मेथड को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप दोनों ही डिफाइन करते हैं तो ये क्लास आपका एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन आपने अगर एक मेथड को डिफाइन किया दूसरे मेथड को डिफाइन नहीं किया, तो भी आपका जो क्लास होगा वो एब्स्ट्रैक्ट माना जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये नियम जो रूल्स हैं हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर मैंने यहाँ आपको थोड़ा सा और अधिक जानकारी के लिए कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं मैंने बताया, ठीक है। सो ये है आपका वन इंटरफेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल क्लास, ये सब करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि हम लोग अभी बहुत जल्द प्रैक्टिकल में आने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।